नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूबल धनखड़ फिटनेस, और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक वीडियो उस टॉपिक पे बनाने वाला हूं जिसको लेकर बहुत सारे लोग इंडिया में स्पेशली और यूथ हमारा बहुत परेशान है, वो है हाइट। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक वार्निंग देना चाहूंगा, जो भी बच्चे या टीनेजर है जिनकी हाइट ग्रो नहीं होती है या 18 साल के बाद भी ग्रो नहीं कर रही है और वो अपने आप में इनसिक्योरिटी फील करते हैं, तो प्लीज सबसे पहले तो अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटी है उसको निकाल कर फेंक दीजिए। आज से ही तीन चीजें गांठ बांध लेनी है कि आपको ये हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल देनी है। सबसे पहली कि एक वीक में आपकी हाइट बढ़ेगी 1 से लेकर 5 इंच तक। दूसरी, कोई भी हाइट से संबंधित कोर्स अगर आपको बेचा जाता है तो आप उसे आज ही मना कर देंगे। तीसरा पॉइंट, कोई भी पिल या ड्रग आपको दिया जाए या बताया जाए कि आप इसे लेकर हाइट बढ़ा सकते हैं तो उसे आप राम राम कह देंगे। देखिए, हाइट को लेकर सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाइट हमारी जेनेटिक्स, हमारी फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करती है। जैसे बगल में मेरा बेटा पढ़ रहा है तो इसकी हाइट जो ग्रो करेगी वो मेरे जीन्स के अकॉर्डिंग करेगी, मेरी फैमिली से थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन जो मेजर रोल है आपकी हाइट को लेकर, और अगर आपकी हाइट किसी ना किसी वजह से ग्रो नहीं हो पाई और होनी थी तो वो इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी हाइट में इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहूंगा और कहता आया हूं कि किसी भी चीज को हम 100% श्योर नहीं कह सकते। इस दुनिया में हर एक चीज पॉसिबल है। यहाँ पे कोई केसेस ऐसा भी मिल जाएगा आपको जो 30 के बाद भी ग्रो कर रहा है, 40 के बाद भी, लेकिन ज्यादातर हाइट हमारी 18 से 21 के बीच में 99.9% ग्रो हो जाती है। अब किसी वजह से अगर आपकी हाइट रुकी हुई है, जेनेटिकली आपको इतना लंबा होना था लेकिन आप नहीं हो पाए, तो ये तीन चीजें हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन, दूसरा आपको आज से ही हॉबीज एंड लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, तीसरा वर्कआउट। मैं तीनों ही खुल के एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो पूरी देख। इंडिया में रहते हैं, इंडिया के जो खाना है वो प्रोटीन रिच फूड नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों में, कुछ फैमिली में नॉलेज नहीं है या फिर घर में जो नॉर्मल खाना बनता है वही सिर्फ बच्चों को दिया जाता है, जिसमें दाल, सब्जी, रोटी और चावल यही होते हैं। जितना इस छोटी एज में हमें प्रोटीन की जरूरत, रिक्वायरमेंट होती है, उतना फूड हमें नहीं मिल पाता। उसी का कारण है कि हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ हमारी हो नहीं पाती। तो सबसे पहले आपको प्रोटीन रिच फूड लेना होगा, जिसमें आप कुछ भी नेचुरल फूड ले सकते हैं, जिसमें आप दालें ले सकते हैं, आप इसमें चिकन खा सकते हैं, आप इसमें पनीर खा सकते हैं, आप इसमें फिश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना, सबसे ईजी जो फूड है वो होगा एग। आनिक, एग खाते हो ना? Yes. तो एग जरूर खाएं। अगर एग आप खाते हैं तो सबसे इजी और चीपेस्ट प्रोटीन फूड है। दूसरा, डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है, तो बेसिकली हमें हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन रखना होगा। हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी जो मिथ है कि हम 3 टाइम ही भोजन करते हैं, फूड लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। हमें डिवाइड करना होगा अपनी मील्स को, अगर आप बच्चे भी हैं तो भी 6 मील्स में, और कोशिश करनी होगी 3 चीजों की एंट्री आपकी डाइट में हो। एक तो प्रोटीन हो गया, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट का तो नाम ही मतलब, क्योंकि हर खाने में कार्बोहाइड्रेट तो आपको मिल ही जाता है। प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ये जरूरी है। और ये कब मिलेंगे आपको? एक तो आप वेजिटेबल से मेरा मतलब है रो वेजिटेबल। बहुत सारे बच्चे नखरे करते हैं फ्रूट्स खाने में, या हम भी अवॉइड कर देते हैं, फ्रूट नहीं खाते। फ्रूट बहुत जरूरी है, पपाया बहुत जरूरी है आपके लिए, अनार खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, क्योंकि सारे जो विटामिन मिनरल है आपको वेजिटेबल और फ्रूट से ही मिलेंगे। इसमें बेसिकली आपकी हाइट के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन डी, विटामिन ए, B1, तो ये जरूरी, विटामिन सी, ये आपको फूड से ही लेने हैं, आपको सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ती है, जब आपके फूड से पूरे ना हो, और इस एज में आपको फूड से ही पूरा करना है। ये भी देखा गया है कि जो एक एज होती है उसमें आजकल बच्चे मिल्क अवॉइड करते हैं, हमारी फैमिलीज भी अवॉइड करती है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप बॉडी बिल्डिंग को साइड में रखो, आप डेयरी प्रोडक्ट यूज करो जो बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें दूध रिच ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन, और आप दही यूज कर सकते हो, तो डेयरी प्रोडक्ट यूज करना भी अच्छा है। पनीर लीजिए, बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो पनीर खाइए, डेयरी प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं। तो अगर आप कहोगे प्रॉपर डाइट प्लान तो मुझे कमेंट करना, प्रॉपर डाइट प्लान भी आपको बना के दूंगा जो आपकी हाइट में आपको हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकता है आपकी हॉबीज और लाइफस्टाइल।
देर से सोना, देर से उठना, प्रॉपर नींद ना लेना, नींद के तरीके, सोने का तरीका बहुत डिपेंड करता है आपकी हाइट को लेके। तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको जिससे आप सो के बहुत हेल्प मिलेगी आपकी हाइट को ग्रोथ करने के लिए, वो ये है। दूसरा, अगर आप किसी भी तरह का नशा या अल्कोहल से या ड्रग्स से या किसी भी तरह से करते हैं तो आज से ही उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपकी हाइट को रोकने में, आपके एजीएस ग्रोथ को रोकने में वो रुकावट है। नशा बहुत नुकसान करता है। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता अल्कोहल लेने से, वो सरासर झूठ है। अब बात आती है वर्कआउट की, तो वर्कआउट आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये चार एक्सरसाइज जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा वो आप देखिए आगे वीडियो। सबसे पहली एक्सरसाइज में हम स्किपिंग कर सकते हैं और ये 3 सेट में करनी है आपको, 100 100 100। 1 मिनट का गैप ले सकते हैं बीच में, आपकी कार्डियो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपको हाइट में भी हेल्प मिलेगी और आपकी बॉडी भी वार्म अप हो जाएगी अच्छे से। दूसरी एक्सरसाइज में हम करेंगे कोबरा स्ट्रेच। इसमें नॉर्मल आपको लेट जाना है, सीधा शोल्डर के पास अपने हैंड लेके आने दोनों, और जैसे ही हैंड लेके आओगे बस आपको हाथों को सीधा करना है और स्ट्रेच कर देना है, गर्दन को पीछे ले जाएं, रिलैक्स करें, 10 तक की गिनती लें, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और आराम से रिलैक्स करते हुए नीचे आ जाएं। इसको आप 10 बार रेपिटेशन में कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में ये हेल्प करेगी। तीसरी एक्सरसाइज में हम करेंगे पुलअप। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, अभी मैं परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने बार बार नहीं किया, ये पुरानी क्लिप है, और ये बैक में भी आपको हेल्प करेगी और हाइट बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करेगी। लास्ट एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेच करना है, दोनों हाथ जोड़ के नीचे ले जाना है और खींच कर ऊपर ले जाना है, और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में स्ट्रेच करना है बॉडी को, लोअर बैक को इन्वॉल्व ना करें, अपर बॉडी को ही स्मूथली करना है, धीरे धीरे करना है, और ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। हफ्ते में 3 बार परफॉर्म कीजिए, आपकी जो रुकी हुई हाइट है उस पर ज़रूर असर पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी कह दूँ कि 1 हफ्ते में आपकी 5 इंच हाइट नहीं बढ़ेगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।